इट्स जून 16 पेपर 11 डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन विच स्लोज डाउन फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू अ स्टॉप इन टी सेकेंड्स फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द रिटार्डेशन रिटार्डेशन इज बेसिकली वॉट राइज डिवाइडेड बाय रन तो राइज इज 20 एंड रन इज टी तो 20 अपॉन टी ये पहले पार्ट का आंसर फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन टी इज इक्वल टू 3/40 जब 3/40 होगा उस वक्त हमारे पास स्पीड क्या होगी एक्स हमने सपोज कर लिया ये हमें फाइंड आउट करना है हमने यहां पर रिटार्डेशन मतलब हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं दैट इज 20/t हम इसी को यूज करेंगे 20/t इज इक्वल्स टू राइज इज वॉट राइज इज एक्स एंड रन इज वॉट रन इज बेसिकली टी माइनस 3/40 ठीक है ना ये रन है ये राइज है इसको हमने यूज किया फॉर्मूला अप्लाई किया एक्सेलरेशन का इसका हमें एक्सप्रेशन पता है 20/t है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया हमने ठीक है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 5 इसका मतलब यहां पर जो स्पीड है वो हमारे पास 5 है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बिटवीन टी 0 एंड टी इक्वल टू टी इज 150 फाइंड टी अब हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें दे दिया है डिस्टेंस दैट इज ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है हाफ बेस इंटू हाइट हम अप्लाई करेंगे तो बेस इज टी माइनस 0 दैट इज टी हाइट इज 20 तो हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू डिस्टेंस आपको दिया है 150 सिंप्लीफाई किया आपको टी की वैल्यू मिल गई दैट इज 15 नेक्स्ट पार्ट ऑन द डायग्राम स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ट्रेन अब डिस्टेंस टाइम आपको बनाना है स्पीड टाइम से ठीक है अगर लाइन हमारी डिक्लाइन है तो हमारा कर्व ऐसा बनेगा 15 पर डिस्टेंस कितना है 150 ये तो हमें मालूम था हमने पॉइंट प्लॉट कर लिया और चूंकि इंक्लाइन लाइन डिक्रीज में है अगर तो कर्व उसका ऐसे बनेगा ठीक है तो ये हमारे पास कर्व बना इसका तो ये ग्राफ हमारा कन्वर्ट हो गया इट्स जून 16 पेपर 1-2 डायग्राम इज अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ अ कार्स जर्नी फाइंड रिटार्डेशन द रिटार्डेशन बिटवीन टी 8 टू टी 12 इज 4 इसका आपको ग्रेडियंट मालूम हो गया फाइंड वी तो राइज अपॉन रन करेंगे राइज इज वी और रन हमारे पास 12-8 हो जाएगा दैट इज 4 और आपको इसका ग्रेडियंट पता है 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वी का आंसर आ गया 16 फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 12 सेकेंड्स टोटल डिस्टेंस का मतलब एरिया अंडर द कर्व तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 8 इंटू वी वी की वैल्यू मालूम है 16 तो ये आ गया 8 इंटू 16 प्लस 1/2 बेस बेस इज 12-8 एंड हाइट इज वी तो सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया और ऐड किया तो इसका आंसर आ गया इट्स दिसंबर 16 पेपर 1-1 डायग्राम इज अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कार जर्नी ये स्पीड टाइम ग्राफ है फाइंड द स्पीड व्हेन टी इक्वल टू 8 अब यहां पर हम इस मेथड को ऑप्ट नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास टाइम 10 है तो स्पीड 12 है तो 8 पर स्पीड क्या होगी इसकी वजह यह है कि हमारा ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा इसलिए हम इसको ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है तो हम पहले क्या करेंगे हम इस पोर्शन का एक्सेलरेशन निकालेंगे दैट इज राइज ओवर रन तो राइज हमारे पास 8 आ जाएगा दैट इज 12-4 और रन हमारे पास आ गया 10 तो पहले हमने निकाला इसका राइज अपॉन रन ये आ गया 4/5 अब राइज अपॉन रन से हम इसकी स्पीड निकालेंगे कि जब हमारे पास टाइम 8 है उसकी स्पीड क्या होगी तो हमने उसको सपोज कर लिया कि उसकी स्पीड अभी हमारे पास एक्स है ठीक है तो हमने इसको यही अप्लाई किया तो राइज अपॉन रन 4/5 हम निकाल चुके हैं और ये हमारे पास आ जाएगा राइज इज वॉट एक्स माइनस 4 एंड रन इज वॉट 8-0 दैट इज 8 तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 सिंप्लीफाई किया तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई दैट इज 10.4 नेक्स्ट पार्ट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम टी 0 टू टी 10 डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल एक छोटा रेक्टेंगल बन रहा है और एक हमारे पास बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है ठीक है इन सब का एरिया निकालेंगे हम लोग तो एरिया ऑफ टी इज इक्वल टू 10 सॉरी यहां तक हमें फाइंड करना है ठीक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा 10/4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट तो बेस कितनी है हमारे पास 10 है और हाइट हमारे पास 8 है तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस 10/4 तो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया 80 मीटर्स का ऑन द ग्रिड बिलो स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 15 हमारे पास ऊपर स्पीड टाइम ग्राफ है हमें जाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो हम इसको ऊपर वाले पैटर्न में फॉलो करेंगे ठीक है तो पहले 10 पर हमारा डिस्टेंस कितना है 80 मीटर है टोटल डिस्टेंस हमारे पास 140 मीटर्स है अच्छा अब हमने ग्राफ को देखें एक्चुअल ग्राफ को तो हमारे पास पहले इंक्लाइंड लाइन है और फिर स्ट्रेट लाइन है ठीक है इंक्लाइंड और स्ट्रेट याद रखिएगा अब इंक्लाइंड लाइन किस में कन्वर्ट होगी इंक्लाइंड लाइन कन्वर्ट होगी कर्व में तो इसीलिए हमारे पास पहले पोर्शन में कर्व बना ठीक है
दूसरे में स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन जाएगी इंक्लाइंड लाइन में, नीचे से ऊपर फॉलो करेंगे क्योंकि हम लोग स्पीड से डिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन जाएगी इंक्लाइंड में, तो स्ट्रेट जाएगी हमारे पास इंक्लाइंड में, ये हमारा ग्राफ कन्वर्ट हो गया। इट्स दिसंबर 16 पेपर 1-2। डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार विच स्लोज डाउन फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 12 इन 20 सेकेंड्स एंड देन कंटिन्यूज एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिटार्डेशन व्हेन टी इक्वल टू 10। हमें रिटार्डेशन निकालनी है, इस पूरी लाइन पर हमारी एक्सेलरेशन सेम होगी, ठीक है। तो हम इसका निकालते हैं राइज अपॉन रन। तो राइज हमारे पास 30 माइनस 12 दैट इज 18 और रन हमारे पास 20 है, तो हम राइज अपॉन रन निकालेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.9। अब इसके बीच का जो भी पॉइंट होगा वहां पर हमारी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो सबका टाइम पर एक्सेलरेशन 0.9 ही होगी। हम ब्रैकेट में नेगेटिव लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये रिटार्डेशन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिटवीन T0 टू T20। डिस्टेंस के लिए एरिया अंडर द कर्व, एक ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा हाफ बेस, बेस कितनी है 20 और हाइट कितनी है हमारे पास 18। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 20 टाइम्स 12, तो ये हमारे पास पूरा इसका एरिया आ गया, दैट इज 420। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन T20 एंड TK इज 60। T20 से लेके TK तक ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया K-20 मल्टीप्लाई बाय 12, सही है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो K-20 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 60, सिंप्लीफाई किया तो आपको K की वैल्यू मिल गई।